हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। हरियाणा रोडवेज में भर्ती होने वाली है कंडक्टर के पदों पे। बैड न्यूज है इससे रिलेटेड, क्या न्यूज है यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नॉलेज टीवी देसी तब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करेगा। दोस्तों, सबसे पहले बैड न्यूज़ तो यही है कि ये भर्ती पक्की नहीं हो रही है, सरकारी नहीं हो रही है, ये हरियाणा कौशल रोज़गार के द्वारा भर्ती की जा रही है। पहली बैड न्यूज़ तो ये, काश ये भर्ती HSSC के द्वारा होती तो बहुत अच्छी बात होती और बड़ी गुड न्यूज़ होती है, लेकिन ये हरियाणा कौशल रोज़गार के तहत हो रही है, यानी कि टेम्परेरी जॉब है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, ये भर्ती होनी थी आपकी 1140 पदों पे। कितने पदों पे जी? 1140 पदों पे भर्ती होनी थी, लेकिन अब मंजूरी मिली है केवल 487 कंडक्टर की भर्ती की। ज़रूरत तो सरकार को 1140 की है, लेकिन जो मंजूरी करी है वो केवल 487 कंडक्टर के भर्ती को मंजूरी मिली है कि इतने पदों पे भर्ती कर लो आप, और वो भी किस में करनी है? हरियाणा कौशल रोज़गार निगम के माध्यम से करनी है, ठीक है। और आदेश दिए हैं कि ये भर्ती जल्द से जल्द कर दी जाए, वो 6 महीने के लिए भर्ती हो रही है। पहली तो भाई हरियाणा कौशल से हो रही है, यही बैड न्यूज़ है। फिर पदों की संख्या कम कर दी गई है, ये भी बैड न्यूज़ है। फिर ये भर्ती केवल 6 महीने के लिए है, ये भी बैड न्यूज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हरियाणा परिवहन विभाग में कॉन्ट्रैक्ट के जरिए 487 कंडक्टरों की भर्ती करने की मंजूरी वित्त विभाग ने दे दी है। हालांकि परिवहन विभाग की ओर से 1140 कंडक्टर की भर्ती की डिमांड सरकार को भेजी थी, सरकार ने विभाग की डिमांड को पूरी करने के बजाय इसमें 60% के लगभग कटौती करते हुए 487 कंडक्टर भर्ती करने की परमिशन दी है। वित्त विभाग की मोहर के बाद अब परिवहन विभाग के निदेशक हरियाणा कौशल रोजगार निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखा है। पत्र में निगम के जरिए जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्ट आधार पर यह भर्तियां करने को कहा गया है। कंडक्टरों की भर्ती 6 महीने के लिए होगी, हालांकि बाद में ज़रूरत के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को बढ़ाया भी जा सकता है। दोस्तों, शुरू में जो ले रहे हैं 6 महीने के लिए ले रहे हैं, ज़रूरत पड़ी तो ये 6 महीने को 1 साल भी कर सकते हैं, ठीक है। दरअसल परिवहन बेड़े में नई बस शामिल की गई है, 1000 के करीब बस आ चुकी है और इतनी ही बस अभी और भी आनी बाकी है। सरकार के पास बसों को चलाने के लिए ड्राइवर तो हैं, लेकिन कंडक्टर नहीं होने की वजह से नई बस सड़कों पर नहीं आ पा रही, इसलिए निगम के जरिए भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले सरकार विभाग में ओवर टाइम भी शुरू कर चुकी है ताकि परिचालकों की कमी को दूर किया जा सके। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस भर्ती से संबंधित, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये भर्ती आपकी आने वाले 5-10 दिन में हरियाणा कौशल रोज़गार के माध्यम से की जाएगी। जब भी ये भर्ती आएगी, फॉर्म भरे जाएंगे, आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा इसी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, बेल के आइकन को दबा के रखोगे, आपको अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।